रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Sunlight, sunlight. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh. And they didn't give it to her. Sun gave it to her. I'm calling everybody. It's not she's responsible. It's just how it is, okay? Everybody's cleaning up. See, there's here also. She still washed it, it's here. No, but that was. But it's here. अरे यार, this is also fresh. It's not fresh यार. I mean anything you can. ठीक है, आप देखो बोलना है तो बोल, मैं तो बता रहा हूँ जहाँ पर भी. नहीं नहीं. Yeah, I am cleaning it. I want to blame you. I just clean. I have many भी clean किया. ठीक है ना? I'm just cleaning. But अपनी हम निकल के जब आते हैं तब तो. अब वहाँ पे वो निकलते हैं तो. वहाँ पे वो निकलते हैं तो वो जी. इससे पहले कौन गया था? आई थी. आई उसने क्या मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉन्शियसली अभी भी डाला कहाँ पे था स्पॉट हो गया मैंने कर दिया था कहाँ पर वो मैंने देखा ही नहीं मैंने ना तो देखा कि मैंने पहले भी था कि क्या और मैंने पूरा पानी मल्टीपल टाइम्स डाला I honestly want this नीचे भी डाला आई एग्री आई वांट दिस कॉन मैंने भी साफ किया आई वांट दिस कॉन्फर्मेशन कम इधर पे पॉटी लगी थी ऊपर उसके खुलने वाली पे पॉटी क्या हुआ बेबी एनीथिंग मैं क्या बोल रही हूँ यू सेड इट Now don't wait for him to accept it if it goes to that level because one Sara, you did not go to the washroom before Tehsin and आपको नहीं पता कि उसका था After it was so fresh and I can very surely say Tehsin के पहले वाले ने भी No 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 it can't be पर ऐसा आपको लगता है ना क्योंकि जो fresh था हाँ तो उसके पहले वाले का भी fresh ही होगा ना मैं पता है उस दिन बोली थी कि ये वाले में भी मुझे कुछ चिपका हुआ दिख रहा था ऑल दैट ही वाज द वन व्हाट गॉन बिफोर एज वेल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट ही डजंट एक्सेप्ट इट ही गेट्स एंग्री व्हेन ही डज सम मिस्टेक एंड देन वी टेल हिम सो आई वाज लाइक जाने तो बिकॉज़ आई एम वेरी श्योर एंड भले ही उनके की आनी है यस वन सेकंड लेट मी से वन थिंग यस्टरडे आल्सो फॉर यू पापड़ के लिए आई आस्ट मुझे मुनव्वर ने आके बोला सबको बोल देना एक एक पापड़ ले वहाँ पे मैंने एक पापड़ कम देखा मैंने उनकी प्लेट में दो पापड़ देखे आई स्पोक इनके टेस्टिंग जी आई स्पोक मैंने कहा किसने दो पापड़ लिए ही सेड ही डिडंट से एनीथिंग किसी ने नहीं लिए ही इज द ओनली वन हु वाज एक्सप्लेनिंग एंड उनकी प्लेट में थे ठीक है और उन्होंने फटाक से अपना तोड़ के एक सेकंड फटाक से उन्होंने अपना तोड़ के आधा मैं रख देता हूँ मैंने कहा महान में बनी है सब कर देंगे इट्स ओके ये चीज़ मैंने ये दूसरा आज का दूसरा झूठ उनके मुँह पर पकड़ा है जो कि वो नहीं एक्सेप्ट करते You know, since I've come here, you've not met me for 5 minutes also. 5 minutes तक नहीं मिला तुम्हें। बताओ कब मिले?
यहाँ पे कल जितनी बार मैं आया ना उतनी बार सब लोग थे ही। कल रात में नहीं आके खड़ा था? अरे 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 साइशा नाराज हो गई। सामान जमा कर लिया जो लेके जाना नहीं, इज्जत देता रब है बंदा कमाता नहीं। हाय। देखो अच्छे दोस्त अभी बनते ना जब कंप्लेंट करें एक दूसरे से। नहीं नहीं ये ऐसी कंप्लेंट कबूल है। मैं आई विल वर्क ऑन इट, आई विल मेक श्योर कि ऐसी शिकायत का मौका आपको ना दिया जाए। आपको कभी आना ही ना पड़े। मुझे गुस्सा करने का तो हक है ना, थोड़ा बहुत करो ना। मैं थोड़ा अपसेट रहूं वो तो हक है ना मेरा, इसीलिए तो बैठा हूं। अगर हक नहीं होता तो मैं चले आता ना अपना बात कह के, स्टिल बैठा हूं। हाय हाउ आर यू। सबको टी शर्ट में कुछ ना कुछ सबको करके दिया, मेरे को करके ही नहीं दिया। मेरे को पूछा भी नहीं एक बार कि तेरे को कर दूं क्या। ये अच्छा है ना, घूम के आ गया कि मैंने क्या नहीं किया। क्या कर सकते अभी, छोड़ो कुछ नहीं कर सकते। हम शायद लायक नहीं होंगे आपके आउटफिट पहनने के। ओ लाला अप्पू, 5 मिनट हो, मैं जाऊं यहां से। जाओ। तुम्हारे 5 मिनट, तुम्हारे 3 मिनट मेरे लिए 15 मिनट जैसे थे। खुश? तेरे को 20-25 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिंदगी में जो बहुत उंगली करेंगे। तू बाकी के 50 लोगों को देख, उनके लिए जिंदगी जी। शिवम को उड़ाना है फैंट, जो उसको निकालना है यहाँ से। प्लानिंग करी ना हम लोग ने कल रात में, बबीता जी के बेड पे बैठे थे हम लोग और बबीता जी से थोड़ी बात करी टीम के बारे में कि टीम ये वो। अपने को पहले तो टीम को एक करना है क्योंकि मेरे बाद ना वो तेरे को टारगेट करेगा मालूम। मेरे को तो अभी से करेंगे। उसने पहले दिन ही क्लियर बोल दिया था कि यार मेरे को अपना 2 लोग नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक मुनावर का नाम लूँगा। I love news. Yes. I love news. मणिपुर चुनाव इंसान एक की मौत शाम 4 बजे 70% मतदान। 75%. Turn out till 4 PM. One killed in Manipur. फगे मणिपुर तो नॉर्थ से नहीं आया, साउथ से तो चला गया। 70% से नहीं आया, एक आदमी मर गया वो भी पढ़ लो जरा। हाँ एग्जैक्टली 75% पे इतना खुश हो रहे हो। ऑल वायलेंस यार, रियली वर नॉनसेंसिकल मैन। वो 75% से बड़ी बात है इसमें। अब मुझे पता नहीं वो कैसे मरेगा या कौन मरा होगा, बट अगर पोल वायलेंस तो मतलब पार्ट ऑफ द वायलेंस। हां यार, दैट्स रॉन्ग ना। व्हाट इज दिस मैन? वो घर से निकला होगा कुछ और इंटेंशन से। देख पता नहीं कौन मरा है, कि शायद वो वोट देने वाला हो या फिर वो वायलेंस वाला ही हो। जिसके लिए वोट है वो लोग तो बैठे होंगे बड़ी जगह एसी में, बंगले में, ऑफिस में, कहीं भी, तो समझ लो। क्योंकि पार्टी के कोई भी नेता को जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ के 1000 मीटर के एरिया में आना अलाउड नहीं। इमेजिन, तो अगर वो पोलिंग के टाइम में डेथ हुई है, इट्स पोल वायलेंस ना। ऑफ कोर्स नॉर्मल इंसान मरा है ना। हाँ नॉर्मल इंसान मरा, इट इज वन किल इन मणिपुर, पोल वायलेंस। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन मरा, इन सेंस वोटर मरा या जो वायलेंस करने वाला मरा। सपोर्टर मरा, अगेंस्ट मरा, जो प्रोटेस्टर मरा, कोई भी मरा, पर एक आदमी मरा। बट किसके किसके लिए मरा? कोई नेता के लिए मरा भाई, कोई थॉट के लिए मरा, कोई थॉट के लिए, कोई नैरेटिव के लिए मरा। दैट इज द होल थिंग। It is really hard. It is really hard also to stay away from my kids. Very hard. I miss them a lot. How are they doing? Do they miss me? I'm sure they do. Tell them dad misses them so much, so much. He really does. I miss hearing a voice, Abba, Abba. I miss sleeping with Nan. Nan, I miss sleeping with you. Abba. ध्यान से सुनो, कैदियों, अब तक मैंने, जेलर ने और कंगना जी ने तुम सभी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये एक लॉकअप है, यहां के कानून की रिस्पेक्ट करना तुम सभी का सर्वप्रथम व अहम फर्ज है।
इसीलिए सभी कैदियों को हर रोज एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। ध्यान से सुनो, अपना राइट हैंड अपने दिल पर रखो और मेरे पीछे दोहराओ, मैं लॉकअप को साक्षी मानकर, मैं लॉकअप को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं कि ईमानदारी से सभी नियमों का पालन करूंगा, ईमानदारी से सभी नियमों का पालन करूंगी, हर काम को प्रणाम करूंगा, हर काम को प्रणाम करूंगा, हर फर्ज को सलाम करूंगा, हर फर्ज को सलाम करूंगी, हर दिन पश्चाताप करने में बिताऊंगा, हर दिन पश्चाताप करने में बिताऊंगा। जय हो, जय हो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बात करना चाहते हैं आप उसको प्लीज, क्योंकि हम सेम गेम में हैं, सेम टीम में। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे आप एज अ फ्रेंड बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई फील नहीं है, ठीक है, डैनी दोस्त है ना, बस तो फिर ठीक है, कूल है, तो बस मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ जब आप, ठीक है, नहीं कर रहा, मैं तो मस्ती करने नहीं कर रहा, डोंट वरी, डोंट वरी, आई डोंट वरी, मैं बस ये नहीं चाहती क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद ये थोड़ा सीरियस हो गया, ओके, क्योंकि आप इसको सीरियस ना बनाएं ना, क्योंकि मैं आपको कभी बुरा फील नहीं करा, नो इशू, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, इसलिए मैंने आपको, मैं हमेशा बोलने की कोशिश करती थी लेकिन नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचती थी चलता रहता है छोटी सी जिंदगी, प्लीज डोंट माइंड, डोंट वरी, मैं और आप माइंड मत करना क्योंकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव इंसान हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं ये नहीं अपने आप को, मैं यहां पे ये दिखाने नहीं आई हूं कि मैं वापस रिलेशन, और मैं भी अपने लोगों को दिखाना थोड़ी हूं कि मैं जोरों का गोला पीछे भाग रहा हूं, वो सब चीजें वो नॉर्मल है, मैं तो एक फन क्रिएट कर रहा था लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी भी, अपनी रिस्पेक्ट है आप, प्लीज आई जस्ट वांट नो इश्यूज, नो इश्यूज, थैंक यू। अनिल सर सब आप क्या है, आई थिंक बच्चे आ गए, बहुत बड़ा है आज के अत्याचारी खेल के लिए, हर ब्लॉक को अपने ब्लॉक से चार कैदी चुनने हैं, दो कैदी जो सबसे अकलमंद हैं और दो कैदी जो सबसे बलवान है, अभी वहाँ का स्मार्टेस्ट कैदी तो इधर है, शिव की बात कर रही हूँ, अब क्या करेंगे आप, और स्ट्रॉन्गेस्ट कैदी भी इधर है, मेरी बात कर रही हूँ मैं, अब क्या करेंगे मेरी टीम आपके बिना, हमारे बिना, आप ही बताओ। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट में किसी लड़की को नहीं, मतलब बबीता जी और सिद्धार्थ को ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वहाँ से तहसीन और साइशा आ जाएंगे, हाँ, तो और स्ट्रेंथ का वो बलवान, मतलब स्ट्रेंथ का ही स्ट्रेंथ पे ही है, और स्मार्टनेस के लिए एक पायल जी हो गए, हाँ, और मुनावर या फिर आप या फिर पूनम, तीनों में से कोई भी, पूनम और पायल को जाना, पूनम और पायल, डन, नेक्स्ट में, सो नेक्स्ट में तू बची ना, कोई दिक्कत, नेक्स्ट में वी विल मेक श्योर कि अपन अंजलि को आगे, हाँ हाँ, इट्स ओके, हमारी टीम में यूनिटी नहीं है, आपकी टीम में यूनिटी है, जो कि कमाल की बात है, बहुत अमेजिंग है, तो मैं चाहता रहा कि ना अगर मैं वो यूनिटी स्टार्ट कर सकूँ ना एटलीस्ट, तो मेरे को करना चाहिए अपनी टीम के लिए, तो इसलिए मेरा ये मूव था, और कोई मेरा रीज़न नहीं, सिर्फ मेरा मन साफ है, दिल साफ है, मेरा सिर्फ ये रीज़न था। शिवम इज यूनिटी टीम, ही इज एनर्जी स्पेंडर, ही डिडंट गो फॉर बलवान, ठीक है, इफ साइशा इज नॉट ओके देन आई विल डू व्हाटएवर द टीम, ठीक है, सो दिस इज इट, शिवम इज गोइंग, अभी हम तीनों का ये डिसीजन, अब उनसे दोनों से डिस्कस करके, अब इफ दे से नो देन लेट्स थिंक अबाउट इट, दो चतुर यूज करने हैं हमारी टीम से, और दो स्ट्रॉन्ग बलवान, जिसमें तेरा नाम और बबीता जी का नाम लिखा है हमने, और चतुर में पूनम एंड पायल। आई वॉज बींग अक्यूज फॉर समथिंग दैट आई डिड, everyone stood against me, it took me a week to prove them that okay, I'll be a part, I'll gain your trust, then now when I'm performing again, I want the team support, build the trust in the team will not come for you till you don't build trust. ek baar na ye jaake baat bol do ki yaar main khelunga, lekin fir mujhe immunity chahiye, mere ko meri team ka support chahiye, teri team ka support milega, immunity milegi ki nahi wo mujhe nahi pata, और टीम का सपोर्ट मैं टीम के लिए नहीं बात करूंगा, मैं मेरे लिए बात करूंगा, यू हैव टू स्पीक फॉर योर टीम, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, बस हमें वही चाहिए, यू नो डोंट पुट कंडीशंस बिफोर इट इज डन, यू कैन से आई मेड यू विन, आई वांट योर सपोर्ट, यू हैड अ टॉक विद शिवम लास्ट नाइट और दिस मॉर्निंग, लास्ट नाइट वी वर टॉकिंग टिल वी स्लेप्ट, राइट, दिस मॉर्निंग, रात को सो गए थे सुबह, ही इज एक्सट्रीमली अपसेट एंड आई थिंक शी बी एक्सट्रीमली अपसेट, सो आई जस्ट वांट टू नो यू हैड दिस कन्वर्सेशन दिस मॉर्निंग, okay, that's all I wanted to know. Did not speak to him what conversation we had, and I just quickly
find it up. Yeah, you did. I spoke in front of you only. I called him in the corner and then I told him that listen, very, very clearly that I'm not interested in this and I'm not liking this. So you stop doing it. हेल्दी वे में जब तक चल रहा था ठीक था अब ये सीरियस ये रोज रोज के ये सब ड्रामे राइटिंग थिंग्स लाइक दैट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्टिंग कर रहे हो आप ड्रामा कर रहे हो होगी आपकी फीलिंग पर मुझे नहीं है एट द एंड इट्स अबाउट टीम्स प्लेइंग टुगेदर खुदा की कसम इसी वजह से मैं उसको सीरियसली बहुत स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही थी यार मैं ना मेरे को जिंदगी में मैं कैसा शख्स हूँ या तो मेरे को पाताल लोक समझ आता है या ब्रह्मांड मैं बीच में ना रह नहीं सकता पता आपको और फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए हाँ यू कैन सिट एंड क्राई और यू कैन गेट अप एंड मैन अप टू व्हाट्स हैपेंड मूव ऑन जब मैं और सिद्धार्थ यहाँ पे थे उसने बोला यार दो दिन में प्यार कैसे हो सकता है फिर उसने बोला नहीं मैं 2016 में पहली बार मिला था तब से हम दोस्त हैं सच्ची मुच्ची दोस्त है हाँ हाँ इफ शी हियर सेड कि दोस्त है देन दिस इज टोटली रॉन्ग वेरी रॉन्ग एंड नाउ इट हैज कम टू वेयर आई कैन नॉट इवन टॉक टू हिम किसको बोला उसको जानती भी नहीं थी पहले उन्होंने मुझे सबसे पहले मिलके बोला था आपको याद है हम मिले थे 2016 में रजा भाई के घर पे मैंने कहा रजा भाई के घर पे मैं इतने लोगों को मिलती हूँ आधी इंडस्ट्री को मिलती हूँ मुझे याद नहीं है रजा भाई कौन एक है अच्छा रजा भाई तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अगर आपको एक पार्टी में मिल गई तो मैं आपकी दोस्त हो गई कि हम भी पहले तो हम बच्चे थे अब मैच्योर हो गए और सुंदर हो गए हम कितनी बार मिले होंगे बट वर वी फ्रेंड्स नो वी वर नॉट फ्रेंड्स वी वर नॉट इवन इन टच एग्जैक्टली बट हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप और मैं बहुत अच्छे से जानते थे एक दूसरे के हम दोस्त थे एब्सोल्युटली इनके साथ तो मुझे याद ही नहीं है मुलाकात इनकी शक्ल भी मुझे याद नहीं थी नाम तो दूर की बात है तो फिर आप कैसे ये बोल रहे हो कि मैं आपकी दोस्त थी ये गलत है ना कल की जो बात हुई थी जो कंगना के सामने आपने बोला कि मैं इनसे 4-5 बार मिल चुका हूँ मैं ही मिलना है थोड़ी बोला पार्टी में मिले हाँ हाँ मुझे ऐसा लग रहा है और सबको ऐसा लग रहा है एट दिस मोमेंट कि मैं कुछ छुपा रही हूँ नहीं कि मेरा आपसे पहले कुछ नाता था कुछ भी नहीं था और मैं कुछ छुपा रही हूँ सबको यही लगा मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं था मैं बोलता हूँ फेल्ट एंड इनफैक्ट द पब्लिक हु इज वाचिंग विल आल्सो फील रजा भाई के घर पे हम मिले होंगे जो मैंने बोला यस हम डेफिनेटली मिले होंगे बट मुझे याद नहीं है यार मुझे याद है ना मुझे हाँ मुझे याद नहीं था और वो बहुत जेन्युइन अगर मुझे याद होता मैं आपको बोलती आके कि शिवम अब आप क्या करना चाह रहे हो आप मेरी इमेज खराब करना चाह रहे हो तो मुझे बता दो आप क्या करना चाह रहे हो व्हाट डू यू वांट आप क्या बोलना चाह रहे हो आपका मन क्या कर रहा है खराब हो रही है शिवम इसमें यू आर कमिंग आउट एज अ वेरी nice guy who is sharing or who is expressing his love feeling but yahan pe meri image ki nahi aapki feel aaj ki image kharab ho nahi sakti main clear out kar dunga main duniya ko clear out kar dunga I'll clear it out duniya ke samne main itna sa chahti hu ki aap us cheez ko clear kar de ki kal to aapne wo kya baat thi ye guruji wali जो मैंने बोला था कि रजा भाई के घर शायद मिले होंगे हां कल की बात तो यही तो बात थी कल क्या बात हुई यही तो बात हुई थी और क्या बात हुई थी कोई बात नहीं हुई थी कल आपने यही बोला था ना लेकिन वो स्टेटमेंट वहां कैसा लगा वो सुनने में लोगों को गलत लगा होगा ना लेकिन हां सही मैं समझ सकता हूं मैं समझ सकता हूं मैं समझ सकता हूं यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम सॉरी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग मैम आई एम सो सॉरी नॉट रॉन्ग आप इस तरह बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप सिर्फ सरकास्टिकली बोल रहे हो कि आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग और यू आर राइट अब मैं गलत बोल रहा हूं उसमें भी आपको सरकास्म लग रहा है आपने जो चीज बोली थी मैं उस बात पे आपको क्लेरिफाई करने आई हूं मैं आपको गलत या अपने आप को सही नहीं साबित करने आई हूं और एक लड़की की जो इमेज होती है बहुत सेंसिटिव होती है मुझे माफ करना मेरा कोई भी ऐसा मेरा मोटिव नहीं था किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट करने का मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज अगर मेरी तरफ से किसी को लग रहा हो ऑडियंस को ही बात कर रहा हूं मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस ठीक है ये चीज जो है ये चीज खत्म है वी आर फ्रेंड्स ओके एंड वी आर अ टीम बूम बम एंड वी नीड टू प्ले टुगेदर ओके एंड वी विल फाइंड अ वेरी गुड गर्ल फॉर यू यू आर सच अ लविंग गाय बात वो नहीं है अभी अपना नाम नहीं डालना मतलब अपने आप को सेव करना है तो वो हमारे साथ ही बॉन्डिंग कर रहे हैं तो करण गेम देखो गेम में वो चीटिंग करता है डिसेप्शन करता है साम दाम दंड भेद वो करता है मुनावर भी भेद नकली फाइट नकली ये नकली ये तो ये लोग कभी भी छल कर सकते हैं जो दो लेडीज़ हैं उन्हीं का नाम लेने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी करी है तो मैं वो ही करूँगी बोल नहीं सकते हाँ इनको भी
हम छः को आगे लेके जाना है क्योंकि इनको आगे जाना है और आप अभी अपना देख लीजिए आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली अभी तो रीजन देने के लिए यही है कि क्योंकि मुनावर ने उस दिन जो बात कही बात तो छोटी नहीं थी उस दिन गेम के अंदर जो उसने कही कि इसको बबीता जी को हमने जीता है तो मुझे लगता है बबीता जी को बाहर करना जो आपको दीजिए ये कोई रीजन थोड़ा। दूसरा वोट आपका कौन सा है? इसका मेरा दूसरा अंजलि को दूंगी। मेरा अंजलि और पूनम जी नहीं मुझे पता सामने वाली टीम से तो अपना आपको बचाव कर रहे हैं और यहाँ से पूरी टीम आपके साथ खड़ी हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? हमको अपना देखना है ना। यह एक तो आप तू है ना मुनव्वर को जितना हो सके उतना यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट हिम तू कर पाएगी इन द गेम विद इन द गेम ये नहीं ये उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वो बहुत शानदार क्योंकि मैं भी तो दिमाग लगाऊंगी ना तू वो भी कर लेगी ये भी कर लेगी डिस्ट्रैक्ट करण हिम मुनव्वर करण ही अचानक वहाँ का नेवर ट्रस्ट दैट ग्रुप नेवर इन द टास्क आउट ऑफ द टास्क। दो ही लाइन लिखी है बड़ी प्यारी बहुत दिल से लिखी थी मैंने एक तरफा मोहब्बत के किस्से मुझे मत सुना सुन क्या सही टाइम पे सुना रहे भाई इरशाद एक तरफा मोहब्बत के किस्से मुझे मत सुनाओ मैंने उसके बाद खुद से भी मोहब्बत नहीं की। क्या बात है क्या बात है। एक तरफा मोहब्बत के किस्से मुझे मत सुनाओ मैंने उसके बाद खुद से भी मोहब्बत नहीं करी सुना है हाँ। अब वो उसके साथ भी नहीं रहती मानना पड़ेगा वफा मुझसे नहीं तो किसी से नहीं की। क्या बात है She loves me. She loves me not. इतने में. She loves me. Not. She loves me. She loves me not. हरगिज गलत निगाह से परखा ना कर मुझे सुन रहे हो बिल्कुल सुन रहा हूँ इरशाद कि हरगिज गलत निगाह से परखा ना कर मुझे मैं तेरा हो चुका हूँ सोचा ना कर मुझे ऐसे थोड़ी नकली इश्क थोड़ी है जो बोल देगी तो ख़त्म हो जाएगा उसके बोलने से क्या होता है हम करते हैं ना पलट 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 अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया जिद होती तो बाहों में होती। किस वजह से गया था फिर ये हाँ क्या नाम मुनावर जो हम बात कर रहे थे जेल में गया था जो किस वजह से ध्यान से सुनो कैदियो इस खेल का नाम है अक्ल बड़ी या भैंस तो शुरू करते हैं इस अत्याचारी खेल को। दोनों ब्लॉक्स के अक्लमंद कैदी सामने आइए और पोडियम के पास अपनी जगह लीजिए। दोनों टीम्स के बलवान कैदी अपने ब्लॉक के ट्रे के दोनों तरफ खड़े हो जाइए। दोनों टीम्स के एक एक और दोनों टीम्स के एक एक वहां अच्छा एक एक आप जाइए। जो कैदी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो पीछे बैठ जाएं। एक यहाँ पे और एक हाँ ठीक है तैसी कम सामने सामने खड़े हो। बलवान कैदियों को सामने रखा हुआ ट्रे उठाना है। ट्रे के नीचे हम रखेंगे चार अंडे। बारी बारी से स्क्रीन पर एक सवाल आएगा अक्लमंद कैदियों को डिस्कस करके उसका जवाब लिखना है और जब मैं हरा झंडा दिखाऊं तो जवाब रिवील करना है। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी ट्रे का वजन बढ़ा दिया जाएगा। अगर बलवान कैदियों का बल खत्म हो गया और ट्रे के नीचे रखा हुआ एक भी अंडा फूट गया तो गार्ड लाल कपड़ा लहराएगी और वो ब्लॉक ये राउंड हार जाएगा। दोनों ब्लॉक्स के पास एक एक सब्स्टिट्यूशन कार्ड होगा। राउंड शुरू होने से पहले या राउंड खत्म होने के बाद कार्ड का इस्तेमाल करके
ब्लॉक अपने एक कैदी को रिप्लेस कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ चुने गए अक्लमंद कैदी ही सवाल का जवाब देंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर बाकी कैदियों ने प्रॉम्प्ट करने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह का इशारा किया तो उस टीम के ट्रे पर दुगना वजन चढ़ा दिया जाएगा। समझ गए? एक बार बात करना चाहेंगे गेम स्टार्ट हो उससे पहले? आप दोनों इशारा नहीं करना, बिल्कुल इशारा नहीं करना, बिल्कुल डिस्कस नहीं करना, चुप रहना, एक दूसरे के ऊपर आई कांटेक्ट रखना एंड गो इन सिंक। सेम चीज मैं और सारा करेंगे, हमारा डिवाइडेड है। आई एम गोइंग टू राइट, शी इज गोइंग टू हाइड इट। ये जो अभी ये है, ये टास्क ये सबके लिए है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो एंड किल इट। मेरे को फेस पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। यस, गो, ऑल द बेस्ट टीम ऑरेंज, थैंक यू फॉर टेकिंग, ऑल द बेस्ट। अक्लमंद कैदियों, तुम्हारा पहला सवाल है। दारू पीने वाली मूवी है ना, जिसमें उसने पिया था। कबीर सिंह का क्या नाम है? वी कैन सब्स्टिट्यूट, वी कैन, बट वी कैन यूज दैट ऑनर। दैट ऑनर सिंह, वी कैन सब्स्टिट्यूट द कार। जवाब दिखाइए, अपना अपना स्लेट्स दिखाइए। इसको पता था, अंजलि को पता। अभी वचन आने वाला है। बीच में रखो, बीच में रखो। अक्लमंद कैदियो, तुम्हारा अगला सवाल। I'm not changing it, whatever is written. I just showed it, sorry, out of default. मैं इसको change नहीं कर रहा हूँ। इशारों में आपने मना किया था। I will not remove. हाँ, whatever is written. अपने अपने जवाब दिखाओ। नहीं ब्रो, तू वहां से देख रहा था, तू पीछे से देख रहा था। उसको पूछ के नहीं लिखा, मैंने खुद लिखा। सचिन भाई, टाइम वेस्ट मत करो। दे विल डिसाइड। राइट ब्लॉक ने प्रॉम्प्ट किया, उनका वजन बढ़ाया जाता है। ये इन्होंने प्रॉम्प्ट नहीं किया, प्रॉम्प्ट नहीं किया। आशीष जी, आप वेरी राइट और रॉन्ग। आई सॉ इट, शी वाज अ प्रॉम्प्ट। अगर वो ना बोलता तो तू चेंज करती। तो वो कैमरा के सामने गलत होता। कैदियो, आपका अगला सवाल। I don't remember. He is trying to copy the answer. I'm sorry, you know you can't do it. Amit Shah is the Home Minister, President. This is crazy. अपने अपने slates दिखाओ. You don't know. It's okay. It's okay. No, don't worry. Don't worry. Payal, अपना slate दिखाओ. It's nothing. I've gone blank. Sorry.
He passed the article 370. He passed the article 370. उनका भी बढ़ गया, अपना भी बढ़ गया. Thank you. यहाँ पे लगा दिया. नहीं, मैं जीलूँगा, आप मत जीलो. अरे यार रख यार. मैं कर लूँगा. मैं कर लूँगा. अरे वो over वो होगा यार, balance है. Next wrist मारना है, फिर वापस shoulders. अगला सवाल. Can I reply the earlier answer? No. Think about this. अरे यार, जाने दे पाया. Don't reply ना, लिख दो ना. I'm gonna take a chance in this. Yes. And this was the first answer. Yes. This was the first president wala. What was it? This was my earlier answer. मैं को अभी याद हुआ. कुछ concession मिल सकता है? नहीं हो गया. I'm just requesting. अभी आ जाओ. It's okay. डाल दीजिए. यहाँ बीच में डाल दीजिए. बड़ी तो रखा है हाथों से. पीछे की तो बड़ी पीछे. अपराइट बड़ी पीछे की चुप पीछे की चुप. अरे. Substitution round खत्म होने के बाद होगा. पहले आप नीचे देखो. बिना देखे मत बोलो. उठाऊं. और पीछे ठीक है. Disturb कर रहे हैं नहीं. बिना देखे पैर. इतना भारी वेट उठा रखा है. अरे यार हाथ में है. हाथ में हाथ. पैर कहाँ है? आपको घुटने दिखाई दे रहे हैं. वो घुट जाएगा आपका. अगला सवाल. This kind of नीचे रखो होके हाथ पैर पे रखो जैसे मैंने रखे. अरे मैं क्या बोलूं? चुप रहो. जो आंसर क्वेश्चन में आंसर है. हाँ. ता डा टा टा डा टा डा टा टा. आर्म्स को आराम. नहीं पर वो आर्म्स है. पायल थोड़ा और छोटा लिखते से. नहीं नहीं ऐसे मजी. जैसे मजी को फटकर फॉर्म चेंज करो. अगला सवाल. Cover it. Guys, put it down. Guys, cover it. Always keep it down, write it. Anjali, आप लोग नहीं कर सकते. वो लोग अगर पैर लगाते हैं तो जो नीचे रखना है ना उससे कट लग रहा है. पैर लगा रहे हैं. ज़्यादा सुन होने से पहले. ग्रीन दिखा लिया. हमको भी दिखाओ. Nice. Thank God. Good to go, girls. Good job, girls. भाई हाथों पे ही रहना पड़ेगा. क्या बिल्कुल हाथों पे रहेगा. आपका आशीर्वाद रहेगा तो रहेगा. आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपने टेक्निक आजमाइए. कुछ मत करो, बस उधर ही देखते रहो. डोंट डू एनीथिंग एल्स. नहीं लगाए हुआ, कुछ नहीं लगाए, हाथों पे ही. भगवान कह रही हो, ध्यान रहे, अंडा फूटना नहीं चाहिए. लेकिन वो पैर क्यों लगा रहे हैं? नहीं कहाँ लगा रहे. उधर लगाया उन्होंने. ये देखिए आप आके देखिए. आप अपने घुटने का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऐसे रख सकता है तू. इधर भी वैसे रखे हो. खींचो खींचे रखा. वो भी खींचे रखे. खींचे रखे. रख सकते हैं टांगों पे. रख नहीं सकते. कैरियो अगला सवाल. अगला सवाल. This तो अरे माता रानी है. queen. इसकी तरफ देखना ही नहीं इनकी तरफ. आए दोनों हर गए. 280. Come on guys, you can do it. Thank you. ये तो कुछ नहीं. थोड़ा और वार्म अप.
And don't look anywhere. Just focus. एक दूसरे पे. Yes, yes, focused. That's it. सही जा रहे हो. Orange team, that's blue not team. The way. सही जा रहे हो. That's not the way. That's not the way. अगला सवाल. Guys, answer छुपा के रखो please. हमने छुपा दिया. ज़्यादा हिलाना. Yeah! Bum 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 bum. फोकस क्या कर रहे हो अरे नहीं गिरा हुआ रॉयल पोपट की रॉयल पोपट है मेरा भी हाय हाय गॉड कम ऑन गाइस वहीं वहां भी यही हाल है वहां भी यही आई डोंट वरी गाइस इवन यहां पे दे आर नॉट इन बोट में सेम बोट में द बेस एंड द डंडा शुड नॉट मूव गाइस अगला सवाल YouTube पे मेरे ख्याल से हाँ YouTube पे तो बहुत YouTube पे बहुत है मोरिच लेट्स कुछ ऊपर ले ऊपर ले अपना एक को लग रहा है तेरे साइड पे ये राउंड हाँ ये राउंड राउंड दोनों ब्लॉक्स ट्रेन रख सकते हैं रख दे वेल डन गाइस क्योंकि अंडा नीचे गिर गया तो लेफ्ट ब्लॉक ये राउंड हारता है ठीक है थैंक यू पहला राउंड जीतता है राइट ब्लॉक वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल प्लेड वेल प्लेड अब शुरू होगा दूसरा राउंड राउंड शुरू होने से पहले बता दूं सब्स्टिट्यूशन कार्ड अब एक्टिव है इस कार्ड से चारों खिलाड़ियों में से सिर्फ एक खिलाड़ी ही चेंज हो सकता है लेफ्ट ब्लॉक क्या तुम कार्ड यूज करना चाहते हो यस से यस 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 लेफ्ट ब्लॉक से पूछा है अभी लेफ्ट ब्लॉक दोनों दोनों सिर्फ लेफ्ट से पूछा एक ही हां मुनावर से ओनली वन कैन बी चेंज ओनली वन कैन बी चेंज मुनावर लिख लेना ऑलराइट राइट ब्लॉक मेरे ख्याल से आप क्या तुम लोग कार्ड यूज करना चाहते हो अकलमंद कह रही हो पहला सवाल Come on, guys. Yes! 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 Combo. Yes! Boom! Bah. Right block ka wazan badhao. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. जब मैं नीचे से उठाता हूँ, बस उठाइए. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. नीचे नहीं जाना चाहिए बस. अगला सवाल यस गुड गोइंग गाइस वेल प्लेड केवी में नजर है मेरी तेरे पे हमारी नजर नहीं है केवी पे इसलिए अटेंशन मत लो व्हाटएवर नहीं देख रहा हूं हमारी नजर दोनों ब्लॉक्स ने सही जवाब दिया है अगला सवाल मैं
They are वो आपको देख रहे हैं बस साइशा डोंट चीट ओके तुम चीट कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते रियली ये क्या बात हुई है बट मैं नहीं करने वाली हूं तुम जैसी नहीं हूं मैं आए बड़े ठीक है 2 सेकंड में चल के आप Very good, very good, very good. Right block का जवाब सही है. ये इधर बात, तेरा भाई. क्या बात? Left block का वजन बढ़ाओ. क्या बात? Very good, Mr. Nice. Proud feeling. Yes. Correct. अब ये बोझ जो हल्का लग रहा है. क्या बात? Nice one, Babita ji. Nice one. Best thank you, thank you. अगला सवाल. अरे शिवम क्या 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 हुआ हमने भी बस ऐसे ही किया था सिर्फ हमने ऐसे ही किया था ऐसे उसके मुंह में मत लग उसके मत लग यार उनके मुंह छोड़ आई थिंक इट्स इंडियन क्या बात है क्या बात है तो भी इंटरनेशनल इंडियन है ना इट्स इंडियन यस यस लेफ्ट ब्लॉक का वजन बढ़ाओ नहीं जाता हूँ यार हिलना नहीं है अपना हिलना नहीं है हल्का सा पैर पे रखेंगे हल्का सा पैर पे रखेंगे अगला सवाल आप लोगों को देख रहे हैं वो मैं नहीं चीट करूंगी बबीता जी ओके मैं अपनी टीम को बता रही हूं बस कम ऑन गाइस मतलब ये भी मेरा सही रहा ना मैं गला काट दूंगी खुद का They want to write a guest thing. Only they, doesn't matter. Doesn't matter. Show. Nobody doesn't matter. Doesn't matter. Dono blocks ka wazan badhao. नहीं ये वजन बढ़ना नहीं चाहिए ये सबसे थोड़ा सा ऊपर ले थोड़ा ऊपर लेना तू प्लीज ऊपर बस अगला सवाल आपको तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा ऐसे पकड़ के जैसे मैं सही है घुटने बाहर मत रखो घुटने के साथ टच करके रखो लड्डू 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 सॉरी गाली के लिए पहली वाली पता है मैं क्या व्हाट आर वी डूइंग डिपेंड ऑन दिस थोड़ा सा एम्पैथी कर लो तीनों पता तो तीनों सही थे यार फर्स्ट गेस व्हाट आर वी डूइंग तुम ज्यादा मत हिलाओ ये बढ़िया हो गया अब तुम मन कह दियो अगला सवाल अहंकार वाली फिल्म थी ना वो कौन सी फिल्म थी अहंकार के ऊपर अमिताभ बच्चन से फेमस हो जाता है अमिताभ दोनों ब्लॉक्स की ट्रे का वजन बढ़ाओ अरे कुछ नहीं होगा तो कर लेंगे आप तो कितना जोर से फेंक के जा रहा है आपको क्यों गुस्सा आ रहा है भाई
पकड़ तो हम रहे हैं तुम क्या क्या कर रहा है Shyam, you have to be here. It's okay. सारा टेढ़ा था आपकी साइड से. इस राउंड के विजेता हैं राइट ब्लॉक. और इस खेल को जीता है राइट ब्लॉक ने. हाथ पकड़ो राइट ब्लॉक आपको आपका इनाम वक्त आने पर बता दिया जाएगा दो ज्यादा थे आगे वापस गॉड ब्लेस टीम पायल बहन को भी बुलाओ इधर इधर सॉरी मेरे को बाहर थी हां पूरा राउंड नहीं बनाते बिकॉज कवर हो जाएगा कैमरा टू बिलो टू प्राउड ऑफ द ऑरेंज टीम मैन वेरी प्राउड दिस इज कॉल्ड टीम वर्क वेरी गुड व्हाट इज दिस फॉर यू वेरी गुड वेरी गुड गो ऑन गाइस नो डेस्टिनी जस्ट 1 2 3 It's okay. When we win, right? It will be a very big. मुझे नहीं लगता again because तू सोच जरा हमारे साथ में लोग ही कितने हैं हम कैसे खेल सकते हैं? We are two people short here. We are two people short. And they know what our team is. Physical strength में कैसे होगा बता तू? And there are three strong mental players in the team. Payal, Karanveer, and Munawar. Three strong mental players. Physically. Karanveer again, Babita, and in this game now Sid. I've understood one thing that it's all my name again. Now ethics में आगे हम नहीं हैं. They played. I won't sit on the. No, no, even you all played, yeah. Hello, ऐसे कुछ नहीं मैं मजाक करता हूँ. No, you accused me. But तभी तुम लोग कि वो जो भी किए वो हुआ वो confusion हुई that you can't deny. Ethics का मतलब क्या होता है? अरे ethically बोल. जब तुम मेरे slate में देख रही थी और केवी ने बोला don't look तो तुमने जो बदले में बोला ना it makes you in the same position. पर मैंने की क्या cheating? तो don't accept that. हाँ तो मैं ये कहीं नहीं ना लेके that I'm not looking. No, you can't tell me what I have to say मुना Okay. And I saw your energy towards me in the game as well. So you don't tell me how I need to play my game. एक मिनट, specifically मैंने क्या किया? कुछ किया नहीं है. तो एक energy की बात हो रही है, एक vibe की बात हो रही है. यार मैं We're all playing games here. ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम अकेले ही खेल रहे हो. अरे मैं एक side में खड़ा हूँ. ठीक है, वो तुम्हारा तरीका है खेलने का. तो खेलो. चुपचाप मैं. Don't tell me what I have to say and what I don't have to say. Discuss करके लिख के. मैंने तो तुम्हारी slate में देखा भी नहीं. तुमने तो देखा भी एक बार. बराबर. Okay. ठीक है की चीटिंग मैंने बस तो मेरी एनर्जी कहां से खराब हो मुझे बात ही नहीं करनी है इसके ऊपर ठीक है मैं बाथरूम आ सकता हूँ ना नहीं जाओ किधर भी जाना है बाथरूम में जाओ तुम्हारा जेल है तुमको जहां जाना है जाओ मेरा जेल नहीं साइशा डोंट फाइट प्लीज डोंट फाइट मैंने कोई वो वे में नहीं बोला मैंने नॉर्मल वे में बोला कि सामने अगर तुम ये बोल रही हो अच्छा तुम चीटिंग करोगे तो हम भी करेंगे बट हाउ डू यू नो आई वाज लुकिंग एट द स्लेट मुझे तो पता ही नहीं है You're trusting someone else's word, right? No, I'm not trusting. I'm trusting your word. You are what you are saying. It looking good. Not right. It looking bad. At all. इसको बुली करने या मजाक करने की वजह से बोला. मैंने इसके इसके लिए बोला कि फिकर में कि तू ये वर्ड जो यूज़ कर रही है उससे ये लगेगा ना कि तू वो कर रही थी. This is what I'm saying. तो ये क्यों भड़क रही है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा.
question. I'll do the intelligence task. I knew all those answers. But हमें initially नहीं पता चला था क्या होगा. See the thing is, retrospect के हिसाब से भी thought initially. Later we decided. Retrospect में हमको लगा कि I could have done this. But then we couldn't change. But in the second round, okay, I accept that. Second round में we agreed that you will come. So I came, you did. But who would have held it? We were starting from zero, no? नहीं बोलो. पकड़ता कौन यार? क्या बात कर रहा है? पकड़ सकते. वहाँ पे atomic, वहाँ पे nuclear bomb फटा है. लगी है आग लगने दो, लगी है आग लगने दो, आग हम ही ने लगाई. It was not के we didn't want to win, right? Or you wanted to win more? No, we all wanted. We all collectively made that decision. Now and now, बाद में you can't put this on us. No, now you are making us feel like we made the wrong decision of not choosing you. If I said don't analyze it, now we'll analyze it tomorrow. You insisted on analyzing it, my love. I said analyze what we did wrong. I'm not saying who we should have picked. That's a different story altogether. Your analyzing will be as per your conditions. Our analyzing is that we can't get all hyper every time. Who's getting hyper? I'm saying don't discuss it. You're the only one raising your voice. Ever, Baba. You're the only one raising your voice. I am probably then. Exactly. Don't get hyper. Saisha. You don't tell me if I'm getting hyper because your hyper is completely different than my hyper. Okay. I accept it. Now I'm quiet. Theek hai, accept it. And be quiet. Kya hai yaar, har baar hota hai ye. कुछ बोलने जाओ तो मैंने बोला था आई वॉज राइट. चल वैसे ये बात तो आप में है तहसीन भाई. गिरते मेरे पे मुझे हिम्मत है You can be a part of it, but you can't do this. But your analysis is based on what you want. You don't want what somebody else is saying. No, but you are not giving an analysis. You are saying you are right. I should have gone for that. It's my analysis. You are right. Don't accept it. I am right, so don't accept it. Fine, I will. I am not saying that you are not right. So then end the topic. Why are you going on insisting on something that I am right on? That doesn't make sense. Because you are always right. Thank you for accepting it. So now you are right. Fine. I am right. हम सब क्या इधर भजिया पकड़ पकाने आए. ठीक है, देखो जो बोलना है बोल. भाई मालूम पड़ा, भाई अभी नाश्ते में भजिया आ रहा है. मत बोल यार, भेज देंगे लोग. नाश्ते में मालूम पड़ा भजिया आ रहा है. पता है हमारे ग्रुप में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आई एम ऑलवेज राइट. यस, अभी यू नो बाथरूम टॉयलेट में नल नहीं होता है, नल टैप के साइड में. टोल्ड दिस स्टोरी. See, we cannot change anybody. And I don't want. We cannot change anybody. The person who is, however he is, we can just tell them what is right and wrong, and we are telling. No, or as I said. Do responsibility. Yeah. जीतेंगे तभी तुम लोग, हारेंगे तभी तुम लोग. टीम एनालिसिस जब हो रही होती है तो होती है कि आपने क्या गलत किया, कहाँ हम शॉर्ट पड़े, क्या वो बात हो रही है ना. We can't give up on analyzing also. मतलब ऐसा थोड़ी कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई है. Analyze तो हम करेंगे because there is hope. So that is the part that she's felt bad for. ठीक है, topic's over. Now we close it. कुछ मत उड़ा. चिड़िया उड़े ब्लू, कौवा उड़े ब्लू. This part is better. Say. It's me. It's cute. सुन लिया और अपना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, सुन लिया. ये भी एक और इंजन उड़े. अरे हर बार रेट्रोस्पेक्ट में जाके जो तुमने सोचा हो. आई मीन दैट. लोग बात कर लो, मैं बाद में बात करता हूँ. तुम क्यों कर रही हो कि तुम चीटिंग कर रही हो? नहीं मैं वो नहीं बोल रही थी. सी, वो हो गया जो गया, मुझे उसका बुरा नहीं लगा. मैं तुमको मेरी एनर्जी वाला पॉइंट बताती हूँ. यू गेट वेरी कॉम्पिटिटिव, दैट्स अ फैब थिंग. Right. I'm really sorry for that. You get so competitive, that's what's needed, and probably that's something I need to learn from you. Right? But ek शत्रु जैसी भी एनर्जी मत डालो मेरे पे. शत्रु जैसा मैंने कुछ किया नहीं. वैसी एनर्जी आती है. But I'm really sorry for that. But दुश्मनी वाला फील हुआ तो सॉरी, but I just want to be there. But already मेरे दिमाग चुकी थी, because वो पहले ही उसका हो गया था. दिमाग क्या चुकी थी? जो भी तुझे पता है क्या? Big आदमी. अच्छा, sorry. मैंने कितनी बार जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी ना, मैंने सारी आर्ग्यूमेंट ठंडी करवाई. बता, एक भी आर्ग्यूमेंट में मैंने आर्ग्यू नहीं करा था, मैं सबको रोक रहा था. वो लोग वजन उठा के खड़े, और मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी गेम आ जाए.
तो मैंने यही किया, मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट खुद से नहीं किया। जीतने पर लोग ऐसी बात करते हैं, हारने पे देखते हो तो ऐसे बात करते हो। आदत हो गई ऐसे बात करने की यार, पर मैं तो वैसी हूँ ना हारने पर भी। The problem is that there is no acceptance. That's the biggest problem, and this is happening since a very long time. And I've spoken to Tehsin, but he doesn't listen. He doesn't understand. लेकिन सारा अभी उसको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है. You have to give him a break now. No, but जहाँ पे गलती है उसको तो गलत बोला ही जाएगा. गलती अगर है तो दिन में 10 बार नहीं बोल सकता ना. आज उसको देखो, उसके एक दो problems हैं. जो उसको credit लेने का issue, जो एक्साइटमेंट हो जाने का, हाइपर होने का. अब सब लोग उसको वही बोल रहे हैं, बारी बारी से उसकी क्लास ली जा रही है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैंने ही देखा है कि अभी 3 बार हो गया दिन में. तो वो भी एक फ्लॉ है. ओके, अब हम क्या करें इस बारे में? कम हियर, हैपेंस, वी आर कॉम्पिटिटिव पीपल. या क्या बना रहे हैं हम लोग को? थी देखना यार, हम अच्छा प्यार में क्या बना रहे हैं हम लोग को? एग्जैक्टली, आई वो नथिंग. वी हैव मेड me into like scream or shout or chillam challan. It's a journey. So I was asking you as a team, do you want it to suggest anything? Because then I have a solo mind, because you're doing the team thing. Okay. So I don't want to be okay. Listen, I can give you this guarantee. I don't need to give you a deal because we are in the same team, right? It's wrong to give you a deal. Yeah. Because तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें टीम के लिए काम करने के लिए मुझे डील देनी पड़ रही है, राइट? नहीं, देखो. Okay, I can make sure कि अपनी टीम में से तुम्हारा कोई भी चांसेस में नाम ना डाले. And we are 6, including you, 7. This is the reason मैंने आपको बोला. I can promise you that maybe I will not take your name. Okay. मैं सही बताऊँ? I can work on that. Okay. I have to be honest to myself ना, मैं आपको. You want Anjali, right? Because I don't want. I just have to clear my karma. Then I am nobody to remove anybody. Last time उसको मैंने वोट नहीं किया था, and still she felt I voted her. So it created a vote. I didn't vote, but she came and told me, why did you vote for me? If Payal go for you, go for her. If she go for you, you go for her. उसको Payal के दिमाग में दो नाम. कौन? तू और पूनम. ठीक है? But मैंने उसको पूरी तरह 3-4 जगह से उसको इन्फ्लुएंस कर किया है. सुन मेरी बात सुनो, उसको हर एंगल में डाल के मैंने उसको डाला है. एंड मोस्टली मुझे लगता है मैंने 75-80% काम कर दिया. मैंने उसको कन्विंस कर लिया कि मैं टीम को वोट नहीं देना, बदले में तेरे लिए तेरा ख्याल रखा जाएगा. देयर आर ओनली 2 पीपल हुज वोट्स विल स्विंग द गेम, दैट इज पायल एंड बबीता. That's why I have been with Payal and Babita, and Karan has been with Payal and Babita. Payal and Babita, don't split our votes. It's the same 2 people that we decided all of us vote for. Assuming they don't split their votes. Because now 5 of them are public. They don't split their votes. Their 5 will be against 2 of us. Our 5 will be against 2 of them. Right? The deciding factor will be Payal and Babita. You have to convince Payal to come to us, voting wise, not physically. By giving her what she needs. And what does Payal want? Payal will obviously want to vote against you. So Anjali to hey, which we are voting against. But the other name also should be ours. We don't want, because if Payal's vote gets split, one our side, one, then we are still low, because 5-5 both are equal, assuming they go equal. 5-5, Payal's one comes to us, one goes to them. So we get 5.5, they got 5.5, and Babita's two still goes there. So they're 7.5 and we're 5.5. The best way to get it is we get 6-6. That's an alright situation. The best situation is we get Payal and Babita. That's the best. Yeah, but that's what I'm saying. Considering, assuming the fact that Payal and Babita vote for what we want them to vote for. But they have motive in this. But I think making a pact with them is extremely risky. You all know that. Because ye ho sakta hai ki they might say that I want to vote for this person because they offered this. It's very risky. आप क्या सजेशन दी थी? दूसरा नाम किसका होना चाहिए हमारी तरफ से? आपका सजेशन दो, आई विल टॉक टू माई टीम. या तो मुनवर बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग किसके तरफ? उसकी रिलेशन स्ट्रॉन्ग है. हाँ, मुनवर दूसरा. पूनम.
पूनम में से कोई नहीं है, मैं पूनम का ले सकता हूँ टीम को प्रपोज। और कौन है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ से अच्छा पूनम, बिकॉज देन इफ यू वोट फॉर पूनम, आप लोग दोनों करते हो तो इट बिकम्स दैट यू हैव अ रीजन टू डू पूनम एंड इट द वोट बिकम्स इफेक्टिव, वरना आपका वोट पूनम के खिलाफ वेस्ट हो जाएगा वन वोट, क्योंकि वन वोट में वाइट है तो मैं टीम को कन्विंस कर सकता हूँ। यू आर नथिंग टू विट आर टीम, आप इसलिए वोट कर रहे हो बिकॉज आपके पास पावर, बिकॉज आपका पर्सनल जो है एंड या आर टीम डज दैट। सो मेरे हिसाब से हम या तो सिद्धार्थ या तो पूनम पे अग्री करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, आगे जाते हैं हमारे साथ, ठीक है? अगर हम टीम की टीम है और आगे एरिथमेटिक बढ़ती है, टीम्स चेंज होते, हमें एक स्ट्रॉन्ग लड़का और चाहिए टीम में। करण का कह रहा था वोट को लेकर, को लेकर आपका नाम मेरा, ठीक है? और किसका कह रहा था? किसका करण किसका कह रहा था? शिवा। शिवा में मेरा, बढ़िया यार। तेजी कितना सेफ खेल रहा है। टाइगर सेफ, मैं ऑडियंस के बारे में सोचता हूँ और मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा भी है। इतना स्मार्ट होना नॉट हेल्पिंग, प्रॉब्लम इज लाइक तू एनालिस्ट है यार तेरा। एनालिस्ट क्या होता है? पॉलिटिकल पॉलिटिकल कमेंट्री देता है, पॉलिटिक्स के बारे में उसको पूरा नॉलेज है, एनालाइज करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तू वो लेवल का आदमी है और तू यहाँ पे चीज़ें स्मार्टली प्ले नहीं कर पा रहा है। पॉलिटिकल इतना बड़ा नाम है और तेरे सच्ची पॉलिटिक्स अगर मुनव्वर फारूकी कर रहा है। मेरे को एक बात बता। तो तू वीक हुआ ना? मुनव्वर मेरे को एक बात बता। इज ही लाइक रियली लाइक वेरी बिग इनटू पॉलिटिकल एंड नॉट बिग? नॉट बिग बट ही जस्ट मे बी ही इज अ रिच, मे बी ही हैज अ कॉन्टैक्ट्स आल्सो द पार्टी ही इज इन, पार्टी इज वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव वर्क फॉर द पार्टी। ही इज इन वो पोस्ट पे है, ठीक है? कैसी फॉलोइंग है इसकी? आई डोंट नो बट वो कोई सेलिब्रिटी टाइप फॉलोइंग नहीं है, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल फॉलोइंग। भाई शिवम को देखे TNS शिवम और तहसीन। हां हां तो वो है 100% गो फॉर इट 100% वही है। सीधा वहीं वार करो क्योंकि जाने वाला टी ही है। क्यों हम अपने पॉइंट वेस्ट करें? हाँ हाँ जाने वाला टी जब ही करना ही उनको है तो उन्हीं को ही करो। शिवम पे शिवम पे इन्वॉल्व मत करो किसी और को। एसटी तीसरा बंदा इन्वॉल्व मत करो। एसटी यार नो बबीता जी क्या कर रहे हैं? बता नहीं रही है, बोले मैं बाद में, मैं कल सोचूंगी। पायल का जो डिफरेंट था वो चेंज हो गया। चेंज चेंज क्या? लेकिन बता नहीं रही वो। कि मैंने बोल दिया टीम इज फर्स्ट, आई विल नॉट पुट माय टीम फर्स्ट व्हाटएवर इट इज। हाँ ठीक है भाई, ये तीन को रखते हैं। बोले निशा को दो ही मिले चलेगा। हाँ कॉफ़ी को भी रखते ना, गैस पे चढ़ाते ना कॉफ़ी को भी। I won't be surprised अगर ये लोग भी तहसीन के नाम उसमें से साइशा तहसीन का नाम देगी, लिख ले। मैं क्या बोल रही हूँ, पायल wants to be with us for various reasons. This is not the only reason why she will want to be with us. That if we say okay, पूनम को करेंगे तो ही आएगी, because she is not respected in her team, because her opinions don't matter in her team. She is not valued in her team and we like her as a person. We respect her. So, Anjali, Siddharth for me. 12 बज गए होंगे यार, मॉम को विश कर दूं। मम्मा अगर आप ये देख रहे हो तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। कीप स्माइलिंग, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर। आई एम स्माइलिंग फ्रॉम द कैमरा, आई एम हैप्पी, दो नॉट सो हैप्पी बीइंग इन द कन्फाइनमेंट, बट आई एम हैप्पी हियर। आई वांट यू टू नो दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग गाय। आपने मेरे को जन्म दिया है, आप जानते होंगे। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ दिस। अपना ध्यान रखना,
खुश रहना, केक शेक खा लेना, मेरी तरफ से भी खा लेना। मिस योर मॉम। Sorry, mom, you must be feeling very bad. It's the first time I'm not with you. I want to be with you. Then you want, you're not. तुझे फिकर ना करना मेरी, मैं थोड़ा शेर पुत्र हूँ, थोड़ा शेर पुत्र हूँ मैं। तुझे फिकर ना करना मेरी बिल्कुल भी।